हेलो क्लास फर्स्ट, टुडे वी विल डू बिल्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर 10, ग्रैंडफादर्स टेल्स अ स्टोरी। तो देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, रीड दिस सेंटेंसेस विद मी। अ फिशरमैन इज अ मैन हु कैचेस फिश। फिशरमैन कौन होता है? जो मछलियाँ पकड़ता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फिशर मैन कौन है, एक मैन है, आदमी है जो कि मछलियाँ पकड़ता है। एंड अ फिशर वोमैन इज अ वोमैन हु कैचेज फिश। और फिशर वोमैन कौन होती है? एक औरत होती है जो कि वो भी मछलियाँ पकड़ती है। अब आपने यहाँ पर देखा दोनों में डिफरेंस, यहाँ पर आपको दोनों सेंटेंसेस में जेंडर जो है वो अलग देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मेल की बात हो रही है, यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है। मेल मींस मस्कुलाइन जेंडर की बात करेंगे हम, और फीमेल में हमारा फेमिनाइन जेंडर की बात करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, है ना। लाइक बॉय क्या है? मेल, और उसका फीमेल क्या होगा? गर्ल, है ना। फादर, मदर, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है। मैच द करेक्ट कॉलम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर देखिए आपको एक मैच करके दिया हुआ है। बॉय के लिए क्या फीमेल वर्ड हम यूज़ करते हैं? गर्ल। एंड यहाँ पर देखिए अंकल के लिए आंट, है ना। नेक्स्ट किंग के लिए क्वीन। मदर, फादर एंड ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, है ना। तो ये आप इनको तो मैच करेंगे ही, साथ में आपको एक शीट और मिलेगी जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है, मेल एंड फीमेल। ओके, चलिए नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 81। Now listen to and say these words aloud. Pay attention to the sound of O and U. तो देखिए यहाँ पर आपको words मैम अभी read करके देंगे, आपको उनके साथ उनको read करना है, और यहाँ पर जो sound आ रहा है वो sound को आपको carefully सुनना है। Okay? D-O-Do C-O-O-L कूल, COOL, कूल। यहाँ पर देख रहे हैं आप साउंड, डबल साउंड जो आ रहा है ओ का, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ऊ। ओके, नाउ POOLS, पूल्स। INTO, TWO, टू। YOU, FOOD, SCHOOL, school, STOOL, stool। ओके, तो इसी तरीके से आपको करना क्या है, डबल साउंड वर्ड्स, डबल ओ वाले कुछ और वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं, उनको लिखना है और उनकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग सम ऑफ द वर्ड्स दैट यू जस्ट सेड, रीड इट अलाउड। अब यहाँ पर आपको देखिए ऊपर की तरफ आपने कुछ वर्ड्स जो हैं वो अभी यहाँ पर रीड किए हैं, उनको आपको करना क्या है, यहाँ पर उसको फिल करना है और उसके साथ इनको रीड करने की प्रैक्टिस करनी है। देयर आर, यहाँ पर हम लेंगे, देखिए वर्ड क्या आ सकता है, टू। देयर आर टू, TWO, टू। नेक्स्ट पूल्स, कितने पूल्स हैं? टू पूल्स इन द स्कूल। ओके, देयर आर टू पूल्स इन द स्कूल। तो इसी तरीके से आपको इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्पेल इट राइट। ओके, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस।
द फिश आर लीपिंग इन द वॉटर. अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था लीपिंग, है ना. तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे आपने देखा होगा आई एन जी आप देखते हैं, यूज़ करते हैं. इसका मतलब हमारा वो जो काम, हम जो कोई भी वर्क कर रहे हैं, एक्शन जो है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, यानी कि हम वो काम कर रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई एन जी. ओके, सो वी समटाइम एड आई एन जी टू सम एक्शन वर्ड. कुछ एक्शन वर्ड्स के साथ हम आई एन जी यूज़ करते हैं जो कि शो करता है कि हमारा जो एक्शन है, हमारा जो वर्ब है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है. ओके, लाइक लीप के साथ अगर हमने आई एन जी यूज़ किया, इट विल बिकम लीपिंग. नाउ दैट नेक्स्ट इज थिंक, टी एच आई एन के थिंक, और उसके साथ आप लगाएंगे आई एन जी इज थिंकिंग. ओके, तो इस तरीके से कुछ और भी आपको वर्ड्स जो हैं वो लेने हैं और उनके साथ आपको देखना है कहाँ पर आई एन जी जो है वो यूज़ होता है. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, फ्रॉगी इज़ हॉपिंग अबाउट. हॉपिंग मीन्स जंप करना, है ना. तो फ्रॉगी क्या कर रहा है, जंप कर रहा है ना. तो यानी कि वो एक्शन जो है वो अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है. नाउ समटाइम वी डबल द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड वैन वी एड आई एन जी. और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लेटर्स जो हैं उसको हम डबल कर देते हैं जब हम पीछे आई एन जी लगाते हैं, लाइक हॉप, एच ओ पी हॉप. हॉप मीन्स फुदकना, कूदना. और उसको जब हम आई एन जी लगाएंगे तो हॉप का जो पी है वो क्या हो जाएगा, हम उसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, यानी कि एच ओ पी पी आई एन जी, हॉपिंग, है ना. इसी तरीके से यहाँ पर देखिए टी ओ पी, टॉप. टॉप है और टॉप के पीछे जब हम आई एन जी लगाएंगे तो पी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि टी ओ पी पी आई एन जी, टॉपिंग. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखिए एक एक्सरसाइज भी दी हुई है, एड आई एन जी टू द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर अब आपको इन वर्ड्स के पीछे आई एन जी लगाना है और इनको यहाँ पर इस ब्लैंक में लिखना है. लाइक हेल्प इज हेल्पिंग, कैच इज कैचिंग, बिगिन विल बिकम बिगनिंग. ओके, नाउ रो इज रोइंग, टेल टेलिंग, स्विम स्विमिंग. ओके, तो ये एक्सरसाइज करनी है आपको अपनी बुक में ही, पेज नंबर 81 पर. ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, बाय.